आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त रेसिपी, यानी कि हमारे स्टाइल से बना हुआ इंडियन कढ़ाई गोश्त रेसिपी। कढ़ाई गोश्त तो आपने कई खाए होंगे, ईद के मेन्यू में एक ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे बनाने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं और आपके मेहमान उससे भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 kg गोश्त, जो कि हमने यहाँ पर रेड मीट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मटन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब गोश्त लें तो उसमें साफ कोई से भी पार्ट स्पेशल आप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ इस तरीके से बोटी वाला हिस्सा यहाँ पर लेना है हमें। और उसमें यहाँ पर हमने थोड़ी सी हड्डियाँ भी डाली हुई हैं, जिसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगी, यानी कि ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो यहाँ पर जो है ये 1 kg गोश्त है और यहाँ पर ये छोटी बोटी वाला हमने गोश्त लिया है। तो इस जो रेसिपी में जो मसाले जो होते हैं उनका बहुत कम फ्लेवर होता है, इसमें गोश्त का ही ज़्यादा फ्लेवर होता है। टेस्ट जो होता है वो गोश्त का होता है। तो यहाँ पर चलिए इसको रखते हैं और सुबह इसके ऊपर हमने एक कढ़ाई रखी है, इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, जिसमें यहाँ पर हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर इसको हम डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हमें फ्राई कर लेना है करीब 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि प्याज का कलर जब चेंज होना शुरू होता है हमें उस पॉइंट तक इसको लेके आना है। प्याज फ्राई हो गया है, यहाँ पर देखें इस तरीके का इसका हमें कलर चाहिए। तो अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त, साथ ही ऐड कर देंगे इसमें 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, ये रेसिपी जो है हम इंडियन स्टाइल से बना रहे हैं। तो यहाँ पर गोश्त को हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है लहसुन अदरक के साथ में। तो यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने गैस के ऊपर एक पैन रखा है, इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। 2 टीस्पून लेंगे यहाँ पर हम धनिया के बीज, 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च के दाने और 1 टीस्पून लेंगे यहाँ पर हम जीरा, 1/2 टेबल स्पून इसमें लेंगे हम सौंफ, 10 से 12 लाल मिर्च ली है यहाँ पर हमने सूखी हुई, तो इन्हें यहाँ पर हम हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मसाले यहाँ पर आप बनाकर भी रख सकते हैं और जब आप भी कभी भी कढ़ाई गोश्त बनाना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें हल्की फ्लेम पर इस तरीके से रोस्ट करेंगे। और जब मसालों को कभी भी आप तेज़ आंच पर ना भूनें, हल्की आंच पर ही करें, जिससे इसका जो ऑयल होता है वो निकल आता है और इसके जो फ्लेवर हैं बहुत अच्छी तरह से निकल आते हैं। तो यहाँ पर आपको हल्की आँच पर ही इसको 1 से 1.5 मिनट तक करना है। ये मसाला बनाकर आप जो है स्टोर कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तब आप इस वक्त पर निकाल कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बनाना। 1 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से हमने यहाँ पर मसाले लिए हैं। तो अब यहाँ पर मसाले रोस्ट हो गए हैं तो इन्हें हम बर्तन में निकाल लेंगे और एक मिक्सी की जार में डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाले को हमें बहुत फाइन नहीं करना है, हल्का हल्का दरदरा सा रखना है। तो देखिए यहाँ पर मसाला ना ही बहुत बारीक है और ना ही आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा बहुत ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल मीडियम रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मसाला है इसको हम यहाँ पर लेंगे 1 कप। यहाँ पर हमने दही ली है, वजन से आप देखेंगे 200 ग्राम है। इसमें हम आधा मसाला डाल देंगे, आधा मसाला हम इसमें ही रोक देंगे, सारा नहीं डालेंगे, आपको हाफ ऑफ कर लेना है। और यहाँ पर इसको मसाले को दही के साथ में मिक्स कर देंगे। जिस स्टेज पर जिस पॉइंट पर हम ये मसाला डालेंगे ना, उस वक्त पर आप देखिएगा कि क्या बढ़िया इससे जो है रिचनेस हो जाती है, फ्लेवर उड़ जाते हैं इसके और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है हमारी गोश्त की कढ़ाई। में लम नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ आप इसको इस तरीके से फेंट लें। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे हमने रफली कट कर लिया है ये डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे इसमें 1.5 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। टमाटर के साथ कुछ देर तक फिर से इसको भूनेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ ही देर में टमाटर ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट होने लगा है, तो अब इस स्टेज पर डाल देंगे हम मसाला। तो लगभग यहाँ पर टमाटर के साथ पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ पर जो मसाला हमने बचा कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। मसाले को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर जो पानी है उसके साथ मसाले को भूनने देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर यहाँ पर इसे कवर भी कर सकते हैं। आप इसे कुकर में ही बना सकते हैं, लेकिन जो कुकर में इसका मज़ा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसे खोलकर पकाने में इसका मज़ा बढ़ता है। तो आप यहाँ पर इसे कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर खुले बर्तन में बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो है इसको अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पर हम 3 गिलास इसमें पानी डालेंगे, खोलकर बना रहे हैं तो 3 गिलास डालें, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप फिर पानी कम ही डालें। प्रेशर कुकर में आप पानी को यहाँ पर 1 कप डाल सकते हैं और यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने देंगे हाई फ्लेम पर। पानी में अच्छा बॉयल आ चुका है तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे, उसे पकने देंगे करीब 1 घंटे तक, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको गला लें,
बस गोश्त डालना चाहिए और उसके बाद जो है यहाँ पर बीच बीच में आप इसको चेक करते रहें। लगभग 50 मिनट हो गए हैं यहाँ पर पकते हुए, इसको मीडियम फ्लेम लो पर, और आप देख सकते हैं ये पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। कैसा फ्लेम हाई करेंगे और यहाँ पर इसका जो पानी है उसके हम यहाँ पर अच्छी तरह से सुखा लेंगे, यानी कि इसकी भुनाई कर लेंगे। गोश्त दिखा देते हैं कि यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ गोश्त को गलाना है। आप अपने मतलब के हिसाब से या टाइम के हिसाब से गोश्त को गला लें। पानी यहाँ पर हमने इसका अच्छी तरह से खुश कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब जो दही हमने बना कर रखी थी मसाले वाली, वो इसमें हम डालेंगे। तो जिस वक्त पर आप दही डालें तो गैस का फ्लेम हल्का कर लें और यहाँ पर इसको दही को डाल दें। हल्के फ्लेम पर ही हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर दही को अच्छी तरह से हमने हल्के आंच पर फ्लेम पर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें बॉयल आने लगे हैं तो इसको यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई करेंगे और 3 से 4 मिनट जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता इसे भून लेंगे। अब दही के साथ ये भुनेगा तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 7 से 8 लिए हैं साबुत हरी मिर्च, ये डाल देंगे इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो यहाँ पर दही का पानी काफ़ी हद तक यहाँ पर ड्राई हो चुका है, देखें आपके ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, इसको मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर डाल दिए हैं जूलियन कट अदरक के, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देता है। यहाँ पर मिक्स कर देंगे और देखें पानी जितना आपको रखना है यहाँ पर इतना आप यहाँ पर ड्राई करेंगे, तो यहाँ पर एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी है। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है मसाले से अलग हो चुका है, इस तरीके से बढ़िया से ये बन चुका है। मसाले हम इसमें पूरे डाल चुके हैं, तो यहाँ पर ये बनकर हमारी कढ़ाई, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा कढ़ाई गोश्त बनकर तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये टेस्टी रेसिपी आप अपने ईद के मेन्यू में ज़रूर शामिल करें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, घर के ही मसालों से बनी हुई। तो बनाने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।